हेलो दोस्तों, तो आप सबको मेरे नए ब्लॉग में स्वागत है। तो दोस्तों, आज है संडे और संडे के दिन मैं हूँ घर पर और आप देख सकते हो यहाँ पर टीवी पे चल रहा है मूगली, जो कि मेरा फेवरेट है। सो दोस्तों, आप देख सकते हो टीवी पे चल रहा है मूगली और ये देखते देखते मैं आज एंजॉय कर रहा हूँ घर पर। सो दोस्तों, आज बिल्कुल अकेला हूँ मैं घर पर, क्योंकि पापा गए हैं खेत धान को देखने और मम्मी गए हैं शादी अटेंड करने। तो आज मुझे ही कुक करना पड़ेगा और अभी बज रहा है 10 और पापा आ जाएंगे 12-1 बजे तक। तो मैं आज कुक करने वाला हूँ। तो आज मैं बनाने वाला हूँ दोस्तों मशरूम, और आप लोगों को दिखाता हूँ मैं मशरूम। सो दोस्तों, आप देख सकते हो ये रहा मशरूम, जो हमारे यहाँ उड़ीसा में बोलते हैं छत्तू, और कई सारे मशरूम है ये देख सकते हो। और इसको मैं बनाने वाला हूँ स्वादिष्ट टेस्टी वाला, क्योंकि ये दोस्तों बरसात के सीजन में ही पाया जाता है ये हमारे यहाँ, और इसको लाया है पापा ने। तो मैं इसको बनाने वाला हूँ मशरूम। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं और बिल्कुल देसी स्टाइल में बनाएंगे। तो ऐसा कुछ है, इसको आप छोटे छोटे काटना पड़ेगा, काटने के बाद आप लोगों को दिखाते हैं। सो दोस्तों, आप देख सकते हो मैंने छोटे छोटे टुकड़े मशरूम को काट लिया है बिल्कुल बारीक बारीक। आप इसको चलिए बनाना शुरू करते हैं मस्त स्वादिष्ट, और आप लोगों को दिखाते हैं किस तरह से मैं बनाता हूँ। सो दोस्तों, मैंने ये चावल मढ़ाया है, आप देख सकते हो, और मेरे जो चावल है वो बिल्कुल पक के रेडी हो गए हैं। अब इसके बाद हम जो है ये मशरूम है उसको बनाने शुरू करेंगे। और मेरा जो चावल है वो पक गया है, इसको उतारते हैं और फिर सब्जी बनाते हैं ये मशरूम। सो दोस्तों, मैंने कढ़ाई मढ़ा लिया है और मम्मी ने सुबह ये सब्जी बनाया था, आलू और क्या बोलते हैं मुनगा, जो कि काफ़ी मस्त लगा था, थोड़ा सा बचा हुआ है। और अभी मैं बनाने वाला हूँ ये, तो आप लोगों को बता ही चुका हूँ। तो चलिए फटाफट बनाना शुरू करते हैं। मेरा जो कढ़ी जो है वो गर्म हो गया है, इसमें ऑयल वगैरह डालते हैं। सो दोस्तों, क्या बोलते हैं, तेल जो है गर्म हो गया है। अब इसमें प्याज और ये जो क्या बोलते हैं मिर्च डालते हैं, और आप लोगों को दिखाते हैं किस तरह से बनाते हैं। बिल्कुल सिंपल स्टाइल में बनाएंगे दोस्तों, कुछ इसमें ज़्यादा अगड़म बगड़म करने की जरूरत नहीं है, यानी कि इसमें ज़्यादा मसाला नहीं डालेंगे, बिल्कुल बस सिंपल तरीके से बनाएंगे। आप लोगों को दिखाते हैं सिंपल तरीके से मस्त स्वादिष्ट बनेगा। और दोस्तों, आज घर में कोई नहीं, इसलिए मैं बना रहा हूँ, मैं कुक कर रहा हूँ। वैसे तो घर में मम्मी ही करता है, बट आज मुझे मौका मिला है तो मैं भी अपना जो टैलेंट है जो मैं भी कुक कर लेता हूँ अच्छा, और आई लव कुक। तो आज मैं बना रहा हूँ और पापा को आज मैं खिलाने वाला हूँ मशरूम मस्त स्वादिष्ट। सो दोस्तों, सब्जी को थोड़ा पकने दो, उसके बाद उसमें डालने वाले हैं नमक और धनिया पाउडर और मिर्च पाउडर, उसके बाद लास्ट में डालेंगे गरम मसाला, बस इतना ही डालेंगे और कुछ नहीं डालेंगे। जो डेली बेसिस हम लोग जो बनाते हैं ना खाना, जो डालते हैं बस वैसे ही डालेंगे, सिंपल सा बनाएंगे आज। और आप भी दोस्तों, कभी भी आप लोगों को मौका मिले घर में तो प्लीज़ यार, आप लोग भी अपने मम्मी पापा का थोड़ा हेल्प करें, और कभी उन लोगों को भी बना कर खिलाएँ, क्योंकि हमारे जो मम्मी पापा होते हैं वो कितना स्ट्रगल करते हैं और हमें डेली खाना बनाकर स्वादिष्ट खिलाते हैं। तो हमारा भी फर्ज बनता है कि कभी हम भी खिलाएं। तो आज मुझे वो सौभाग्य मिला जो मैं आज बना रहा हूँ खाना। तो आज पापा जो आएंगे खुश हो जाएंगे, क्योंकि मैं बना रहा हूँ मस्त स्वादिष्ट। और मैं इसे बनाता रहता हूँ दोस्तों कभी कभी बीच बीच में, जब भी मुझे कुछ खाने के इच्छा होता है, और तो मेरे स्टाइल में मैं बनाता हूँ। तो आज भी वैसे ही मैं अपने स्टाइल में बना रहा हूँ।
और आप लोगों को दिखाते हैं। दोस्तों मेरा जो मशरूम है वो थोड़ा अधूरा पक गया है, ये आप देख सकते हो। ये अब इसमें हम ऐड करने वाले हैं नमक, मिर्च और हल्दी पाउडर। दोस्तों ये रहा नमक और इसको हम डालने वाले हैं स्वाद अनुसार, और मुझे लगता है इतना तो काफ़ी होगा। तो हम ये डालने वाले हैं इसमें जो है नमक, और उसके बाद डालने वाले हैं ये जो है मिर्च पाउडर, और लास्ट में हम डालने वाले हैं ये रहा हल्दी पाउडर, ये रहा हल्दी पाउडर, और इन सारे को हमने डाल ली। और उसके बाद अच्छे से इसको खोते हैं, ये आप देख सकते हो। इस प्रकार से बन रहा है, और मुझे लगता है इसमें थोड़ा सा नमक और डालते हैं और थोड़ा सा हल्दी भी डालते हैं क्योंकि कम लग रहा है मुझे, तो वैसा कुछ है। और पूरा मस्त चटपटा सा बनाएंगे पूरा भुंजिया इस प्रकार से। अब इसको अच्छे से फिर चलाते हैं। अब दोस्तों इसको थोड़ी सी और पकने देते हैं हल्की फ्लेम में, और उसके बाद थोड़ी देर के बाद मेरा जो मशरूम है वो पक कर तैयार हो जाएगा। फिर लास्ट में हम डालने वाले हैं गरम मसाला, बस इसको उतार देंगे, काम ख़त्म। अब दोस्तों मुझे बनाते बनाते बिल्कुल पसीना आ गया, तो सोचो यार मम्मी किस तरह से बनाता होगा डेली। मैं तो आज बनाया चावल और ये सब्जी, तो मेरा तो हालत ख़राब हो गया। तो आप समझ सकते हो हमारे जो मम्मी होते हैं वो कितना क्या बोलते हैं उसको, कितना ब्रेव है, कितना हिम्मत वाले होते हैं जो डेली सुबह उठकर 3 टाइम का खाना बनाते हैं हमारे लिए। तो इसके लिए तो लव यू मम्मी हैंड्स अप। सो दोस्तों आप देख सकते हो मेरा जो सब्जी है पूरा बिल्कुल तैयार हो गया। अब इसमें हम डालने वाले हैं गरम मसाला, उसके बाद 2 मिनट फिर पकाएंगे, फिर हमारा जो है मशरूम पूरा बनकर तैयार। तो चलिए गरम मसाला डालते हैं हल्की से। क्या खुशबू आ रहा है दोस्तों, का जबरदस्त खुशबू आ रहा है। ओ भाई शब्बास बेटा शब्बास, देख सकते हो ये जो सब्जी, वाह काफी मस्त लग रहा है। अब इसको 2 मिनट और पकाते हैं, उसके बाद हमारा जो है फिनिश, हमारा जो मशरूम बनकर तैयार बिल्कुल। दोस्तों आप देख सकते हो हमारा जो मशरूम है बिल्कुल बनकर तैयार हो गया है। वाह आप देख सकते हो इस प्रकार से बना है, काफ़ी मस्त लग रहा है। और आप लोगों को खा के दिखाते हैं किस तरह से बना हुआ है। दोस्तों थोड़ा सा टेस्ट करने के लिए निकालते हैं कि नमक वगैरह सही से लगा है कि नहीं, और बताते हैं आप लोगों को किस तरह से बना हुआ है। तो ये रहा मैंने एक गिना पर थोड़ा सा निकाल लिया है टेस्ट करने के लिए कि सही बना है कि नहीं, पका है कि नहीं, और आप लोगों को बताते हैं। दोस्तों ये रहा थोड़े से मैंने निकाल लिया है टेस्ट करने के लिए नमक वगैरह, और खा के बताते हैं कि किस तरह से बना हुआ है। और ये रहा मशरूम, वाव सो स्वादिष्ट। सो डिलीशियस, वाव काफ़ी मस्त बना है। मन कर रहा है सब खा जाऊं, पापा आ जाएंगे तो खुश हो जाएंगे। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और जिस लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दें, और अपने भाई को सपोर्ट करें ताकि आप लोगों के लिए और बेहतरीन से बेहतरीन हमारे जो उड़ीसा का जो कल्चर है
और संस्कृति है, और जो मेरा डेली जो ब्लॉग है वो आप लोगों को दिखाता रहूँ। सो इस वीडियो में इतना ही, आपको फिर मिलते हैं अगली ब्लॉग में, अगली सवेरा अगली मॉर्निंग में। तो तब तक के लिए अपना सेहत का ख्याल रखें और कीप स्माइलिंग, कीप ट्रैवलिंग, एंजॉय योर लाइफ। बाय बाय।